चांद पर वैज्ञानिकों की खोज से दुनिया भर के लोगों का उत्साह बढ़ता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि चंद्रमा पर खोज के लिए भेजे गए मिशन के कारण वहां पृथ्वी से कितना कचरा अब तक पहुंच चुका है। इस कबाड़ में भारी भरकम मशीनें और टेक्निकल चीजें तो हैं ही, इसके अलावा भाला, बाज का पंख, चिमटे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश और रेक भी हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर मानव मल, यूरिन और उल्टी के 96 पैकेट भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक चांद पर 200 टन कबाड़ा पहुंच चुका है। उसके आसपास कई चीजें बिखरी हुई हैं। इन्हें कभी वापस नहीं लाया गया। इनमें एक बाज का पंख, एक भाला, मानव अपशिष्ट के बैग, एक पारिवारिक तस्वीर और एक फॉलन एस्ट्रोनॉट शामिल है। फॉलन एस्ट्रोनॉट के पास एक पट्टिका भी है जिस पर अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के दौरान मारे गए 14 वैज्ञानिकों के नाम हैं। कुल मिलाकर चांद पर इंसानी कबाड़े के रूप में करीब 200 टन वस्तुएं मौजूद हैं। अपोलो मिशन के 5 सैटर्न वी रॉकेट इन अवशेषों में सबसे ज्यादा भारी भरकम है। इसके बाद अंतरिक्ष यानों का मलबा है जो मिशन की आखिरी चरणों में चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हो गया। इसके अलावा चांद पर रोबोटिक लैंडर्स और रोवर्स का मलबा भी भारी मात्रा में है जो अब किसी काम के नहीं है। उनकी बैटरियां खत्म हो गई हैं या फिर हार्डवेयर खराब हो गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह चंद्रमा के पश्चिमी छोर पर है। दुर्घटनाग्रस्त और टूटे अंतरिक्ष यानों के अलावा कई व्यक्तिगत सामान भी हैं जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर ही छोड़ आए। इसके अलावा 2 गोल्फ गेंदे भी वहाँ हैं जिन्हें अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने हिट किया था। चांद पर एडगर मिशेल की फेंकी गई धातु की छड़ भी इसे भाला कहा जाता है। अपोलो 14 में सवार होकर चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री जेम्स इरविन ने डैशबोर्ड पर एक बाइबिल छोड़ी थी। अपोलो 16 के अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स ड्यूक की जमीन पर रखी एक पारिवारिक तस्वीर है जो 1972 में चंद्रमा पर चलने वाले 10वें और सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। तकनीकी कबाड़ के रूप में वहां अपोलो लैंडिंग साइट कैमरे, पावर पैक, चिमटे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश, रेक और ट्रिंचिंग टूल भी हैं।